गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हमारी एमएससी फाइनल की जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास है उसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे फिरोमोन्स। ओके, फिरोमोन्स क्या होते हैं और फिरोमोन्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पिछली क्लास के अंदर जाना। जैसे अब आप लोग सब जान चुके होंगे कि फिरोमोन्स जो होते हैं वो किसी जंतु द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उसी जाति के जंतुओं में को कम्युनिकेट करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ फिरोमोन्स। फिरोमोन्स की क्या रासायनिक प्रकृति होती है। फिरोमोन्स यदि हम देखें तो प्रकृति में एक प्रकार के क्या है, रासायनिक पदार्थ है जिनको हम केमिकल सिग्नल्स भी कह सकते हैं। और इस प्रकार के केमिकल सिग्नल्स जो है वो इंसेक्ट्स और जो मैमल्स होते हैं बच्चों उनके अंदर बहुत अच्छे विकसित होते हैं। ओके, ये जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं बच्चों ये वॉलेटाइल्स भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल्स भी हो सकते हैं। ओके, देखिए कुछ केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं इस प्रकार के पदार्थ से बने हुए होते हैं जो कि केवल कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही अस्तित्व में रहते हैं। इस प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं फिरोमोन्स होते हैं वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं, वॉलेटाइल श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत कम होता है। इस प्रकार के जो वॉलेटाइल केमिकल सिग्नल्स हैं इनके यदि हम एग्जांपल्स देखें, जो चींटियों के अंदर अलार्म फिरोमोन्स के रूप में जो स्रावित होता है फिरोमोन वो एक प्रकार का वॉलेटाइल फिरोमोन्स होते हैं जो केवल कुछ मिनट्स या जो है कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, दूसरे प्रकार के केमिकल सिग्नल्स इस प्रकार के डिजाइन किए हुए होते हैं जो कि जिनके द्वारा जो सूचना का संप्रेषण है वो काफी जो है लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसके अंदर इस प्रकार के सिग्नल्स के अंदर क्या होता है, जो जो जीव जो फिरोमोन्स स्रावित करता है उसकी अनुपस्थिति में भी इस फिरोमोन्स का प्रभाव जो होता है वो उस जगह पर रहता है। इस प्रकार के फिरोमोन्स को हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल फिरोमोन्स कहते हैं। ओके, इस प्रकार का जो नॉन वॉलेटाइल फिरोमोन्स पे यदि हम उदाहरण देखें तो इस प्रकार का फिरोमोन्स जो है वो हमें स्पॉटेड हाइना की जो सब कॉर्डल सेंट ग्लैंड है इसके द्वारा स्रावित जो फिरोमोन्स होता है जो कि उसकी टेरिटरी को मार्क करता है, अंकित करता है, इस प्रकार का फिरोमोन्स नॉन वॉलेटाइल फिरोमोन्स होता है। ओके, ये बच्चों मैंने कुछ एक टेबल है जिसके अंदर एनिमल्स और एनिमल्स की कौन सी ग्लैंड्स या क्या सोर्स है जिससे कि फिरोमोन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है उसकी ये पूरी टेबल बनाई हुई है। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फिरोमोन्स। ओके, किन किन केमिकल से जो है फिरोमोन्स बने हुए रहते हैं हम शुरुआत के एक दो एग्जाम्पल्स इसके अंदर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ट्रॉपिकल बग के अंदर यदि हम देखें तो इसकी मेल की स्पेशल डक्ट से फिरोमोन एक्सक्रीट किया गया जो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या था, किसका बना हुआ था, वो 2-hexanol एसीटेट का। ओके, इसी प्रकार आंट्स की जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स होती है उनसे फॉर्मिक एसिड जो है फिरोमोन्स जो है वो फॉर्मिक एसिड के रूप में जो है एक्सक्रीट किया गया। ऐसे ही हनी बी की जो क्वीन की मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है जो हेड के अंदर पाई जाती है उनसे 9-HETO2-DECINOIC एसिड के रूप में जो है वो फिरोमोन्स जो स्रावित किया गया उसका केमिकल कंपोजिशन ये था। इसी प्रकार सिल्क मोथ की जो फीमेल होती है उसके एब्डोमेन में स्थित जो लेटरल ग्लैंड्स होती है उससे जो फिरोमोन एक्सट्रैक्ट किया गया उसका नाम क्या है बच्चों, बॉम्बिकोल। ओके, और ये बॉम्बिकोल क्या है, दिस इज द ट्रांसटेंसिस 12-hexadeco डेकाडेनोइल रासायनिक प्रकृति का होता है। ऐसे ही जो जिप्सी मॉथ है उससे उसकी भी फीमेल जो है उसकी लेटरल ग्लैंड से जो फेरोमोन्स स्रावित जो करती है वो उसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, 10-acetoxy-1-hydroxy-7-hexadecane। ओके, तो ये कुछ जो है एनिमल्स और उनके उनसे जो एक्सट्रैक्ट किए हुए फिरोमोन्स है उनकी केमिकल कंपोजिशन यहाँ दर्शाई गई है। ये मैं आपको पूरा पीडीएफ सेंड करूंगी तो आप इसके अंदर इसे आसानी से पढ़ लेना। ओके, अब हम चलते हैं वेरियस जो एनिमल्स है उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कौन से फिरोमोन्स पाए जाते हैं उनकी अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से फिरोमोन्स पाए जाते हैं।
देखिए इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है जो फेरोमोन्स प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले हम ये ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ डेफिनेट ग्लैंड्स होती है बच्चों अकशेरुकियों में जो कि इन फेरोमोन्स का स्रावण करती है। ओके, और ये जो ग्लैंड्स होती है वो जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के एनिमल्स में अलग अलग जगह लोकेटेड रहती है और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। ओके, देखिए सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है वो इंसेक्ट के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स की यदि हम बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो उत्पन्न फेरोमोन्स है, विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट्स है उनकी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जो कि फेरोमोन्स का स्रावण करती है। ओके, इनकी सबसे ज्यादा स्टडी हुई है। फॉर एग्जांपल हम लोकस्ट की बात करें तो जो मैच्योर मेल लोकस्ट है सिस्टोसत्ता, ठीक है, थ्रू सिक्रीशन ऑफ फेरोमोन्स एक्सेलरेट द मैच्योरेशन ऑफ अदर लेस मैच्योर लोकस्ट ऑफ आइदर सेक्स। ओके, दिस फेरोमोन इज सिक्रीटेड बाय द एपिडर्मल सेल्स। सिस्टोसत्ता की जो एपिडर्मल सेल्स है उसके द्वारा एक मैच्योर मेल लोकस्ट जो होता है वो जो है वो फेरोमोन्स का स्रावण करता है। यदि हम लेपिडोप्टेरा की बात करें, लेपिडोप्टेरा के अंदर जिसके अंदर हम बटरफ्लाइज और मॉथ को जो है रखते हैं, इनके अंदर जो है स्पेशल सेट ग्लैंड्स पाई जाती है, स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती है जिसमें जिसके थ्रू ये जो है वो एक सेट फेरोमोन्स जो है वो स्रावित करती है। ओके, ये जो ग्लैंड्स होती है वो एक्रोडिना नामक एक पंख के समान एक सेंट जो है स्केल होता है उससे संबंधित होती है। ओके, एक्रोडिना हम एंड्रोकोनिया देखें तो ये क्या होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो एंड्रोकोनिया है पंख समान एक जो है वो सेंट स्केल के रूप में होता है और इसका जो टर्मिनल एंड होता है बच्चों वहां पे कुछ फाइन प्रोसेसेस प्रवर्ट पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, फिब्री कहलाते हैं। ओके, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो दिस इज द एंड्रोकोनिया। ओके, ये आपको दिख रहा है एंड्रोकोनिया जो कि लेपिडोप्टेरा के अंदर बटरफ्लाइज और मॉथ के अंदर ये पाया जाता है, इसको हम सेंट स्केल भी कहते हैं और इसके जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं ये जो है यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, ये फाइन स्ट्रक्चर फिम्ब्री कहलाते हैं। ओके, ये जो एंड्रोकोनिया है इसके द्वारा जो है सेंट के रूप में फेरोमोन्स स्रावित किया जाता है जो कि इन फिब्रिस के द्वारा बाहर रिलीज किया जाता है। ओके, इवोपोरेट किया जाता है। ओके, और ये और बेसिक अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। हम बात करें क्वीन बटरफ्लाई की, दैट इज डेनोस गिलिप्स। ओके, इसके अंदर जो फेरोमोन्स है वो रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, मेल बटरफ्लाई के द्वारा रिलीज किया जाता है और इस फेरोमोन को जो फीमेल होती है बच्चों वहां पर एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो क्या कहलाता है, हेयर पेंसिल कहलाता है, उसके द्वारा जो है वो फीमेल पर इस पे जो है वो ये फेरोमोन्स जो है वो फेर दिया जाता है। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दीज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द एब्डोमन, जो मेल जंतु होता है उसके एब्डोमन की टिप पर ये पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम एमोरिस का मेल देखें तो एमोरिस के मेल के अंदर क्या होता है, इसके जो हाइंड विंग्स होते हैं, ओके, हाइंड विंग्स के दोनों साइड्स पे क्या होता है, यहाँ पर बच्चों थोड़े स्मॉल सेंट पैचेस होते हैं, अभी हम डायग्राम से समझेंगे। ये जो स्मॉल पैचेस होते हैं, सेंट पैचेस जिसको हम कहते हैं, इन सेंट पैचेस के अंदर क्या होता है, हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर सेंट कप्स पाया जाता है। ओके, सेंट पैचेस किसके अंदर पाए जाते हैं, ये एमोरिस मेल के अंदर जो है स्मॉल सेंट पैचेस होते हैं जिनके अंदर सेंट कप्स जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। ये जो सेंट कप्स होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर सेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओके, सेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि एक मीडियम पोर के द्वारा बाहर खुलती हैं और फ्रॉम दिस सेंट पैचेस जो सेंट है गंध है वो डिस्पर्स की जाती है, सेंट ब्रशेस पाए जाते हैं जिसके द्वारा जो कि उस संबंधित जंतु के जेनिटेलिया से संबंधित होते हैं इन एमोरिस। ओके, एग्जांपल यदि हम इसके अंदर देखें तो आप इसके अंदर इसका देख सकते हो, यहाँ पे जो ये दिख रहा है दिस इज द मेन एमोरिस जिसके हाइंड विंग्स के पीछे की तरफ दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, दीज आर द सेंट पैचेस। ओके, और इन सेंट पेजेस के अंदर बीच के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट कप पाया जाता है जिसके नीचे
की तरफ सैंड ग्लैंड स्थित होती है जो कि सैंड का जो है वो प्रोडक्शन करती है और एक मीडियम पोर के द्वारा ये सैंड जो होती है ब्रश के माध्यम से बाहर जंतु के बाहर जो है वो रिलीज की जाती है। ओके चले आगे, अब हम बात करेंगे अनदर एग्जाम्पल की, दैट इज द प्लेउडिया। ओके प्लेउडिया के अंदर जो फेरोमोन्स होते हैं वो सिक्रेटेड किए जाते हैं, एक इनवेजिनेटेड ग्लैंड्स होती है जिसके थ्रू ये सिक्रेट किए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है जंतु का उसके दोनों साइड्स पर ये ग्लैंड्स होती है सिचुएटेड होती है। ओके और इस ये ग्लैंड्स जो होती है वो इस एब्डोमेन पर बहिर्सारित होकर अपना जो जो है अपना रिलीज जो सेंट जो है उसको डिस्पर्स करती है, उसको वितरित करती है। ओके यदि हम इसका डायग्राम देखें बच्चों तो यहाँ पे आप इसका ये डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द प्लेउडिया जिसके अंदर ये जो है सेंट ग्लैंड्स इसके अंदर सिचुएटेड होती है और ये सेंट ग्लैंड जो कि इमेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है ये अपना सिक्रीशन जो होती है वो इमेजिनेट करके बहिर्सारित करके बाहर डिस्पर्स करती है। ओके चले आगे, इसके बाद यदि हम एग्जांपल देखें, दिस इज अ फीमेल सिल्क मॉथ। फीमेल सिल्क मॉथ जो कि सेक्स फेरोमोन स्रावित करती है जिसे हम बॉम्बी कॉल के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से स्रावित करती है, इसके अंदर वन पेयर ऑफ सेक्स जिनको हम सेक्युलाई लेटरलिस कहते हैं इसके द्वारा ये बॉम्बी कॉल जो है वो स्रावित किया जाता है। ये सेक्युलाई लेटरलिस कहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो जंतु का लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहां पर ये सिचुएटेड होता है, इस एब्डोमिनल सेगमेंट को ऊपर उठा के ये जो इसका सेक्युलाई लेटरलिस को उद्भासित करके जो है फेरोमोन्स को रिलीज करती है। ओके ये तो बात थी लेपिडोप्टेरास की, अब हम बात करेंगे हाइमेनोप्टेरास। हाइमेनोप्टेरास जिसके अंदर हम बीज हनीबीज वैस्प्स इनको इंक्लूड करते हैं, तो यदि हम हनीबी की बात करें बच्चों तो हनीबी के अंदर फेरोमोन्स होते हैं वो दो ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, लिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स, मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड मेसेनोफ ग्लैंड्स। अब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, ये मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती है बच्चों वो पाई जाती है कहाँ पे, हेड रीजन के अंदर सिचुएटेड रहती है। किस प्रकार की संरचना होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो मैंडिबल जो माउथ पार्ट से मैंडिबल उसके आधार के ऊपर ही एक डक्ट के द्वारा जो है वो बाहर खुलती है। ओके ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है बच्चों ये क्वीन जो हमारी आप लोगों को पता है हनी बी कॉलोनी बना के रहती है जिसके अंदर ड्रोन क्वीन और वर्कर्स होती है। ओके तो ये क्वीन और वर्कर्स के अंदर वेल डेवलप होती है और ड्रोन्स के अंदर ये जो है अल्प विकसित होती है। सेकंड बात करें हम नेजोनोफ ग्लैंड की, तो ये नेजोनोफ जो ग्लैंड्स है वो देखिए नेजोनोफ जो नाम दिया गया है एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1882 के अंदर इस ग्लैंड को डिस्कवर किया था, तो उनके सम्मान में इनका जो है इस ग्लैंड को हम नेजोनोफ ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ओके ये जो नेजोनोफ ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, ये जो सिक्स और सेवन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं इनके बीच का जो इंटर सेगमेंटल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है बच्चों इसके बीच के अंदर जो है ये नेजोनोफ ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। ओके ये इस ग्लैंड की यदि हम बात करें तो ये ग्लैंड्स जो है वो असंख्य लार्ज सेल्स की बनी हुई रहती है जो कि सेंट सेल्स कहलाती है और ये जो सेंट सेल्स होती है वो अपने स्मॉल डक्ट्स के द्वारा स्मॉल वाहिनी के द्वारा जो है वो बाहर खुलती है। यदि हम इसका डायग्राम यदि देखें तो नेजोनोफ ग्लैंड्स का, तो दिस इज द नेजोनोफ ग्लैंड्स ओके जो कि बॉडी के बाहर खुलती है, असंख्य जो है वो डक्ट्स की असंख्य सेल्स की बनी हुई रहती है ये जो कि अपनी वाहिनी के द्वारा जो है बॉडी के बाहर खुलती है। ओके और यदि हम जो है हमारा सिल्क मॉथ था उसकी बात करें बॉम्बे कॉल जो कि स्थापित किया जाता है सेक्युलाई लेटरलिस जो हमारे जो जंतु का एब्डोमिनल सेगमेंट्स है वहां पर जो सिचुएटेड होता है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे इन सिल्क मॉथ जिसके द्वारा बॉम्बे को सिक्रीट किया जाता है। ओके नेजोनोफ ग्लैंड्स के बाद में अब हम बात करेंगे ये
बात की हनी बी के अंदर मैंडिबुलर ग्लैंड और नेजुलर ग्लैंड जो फेरोमोन्स का स्रावण करती है। आंट्स की यदि हम बात करें तो आंट्स के अंदर जो होता है मेनली जो फेरोमोन्स होते हैं वो आंट्स के अंदर सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा, और ये जो बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय मींस ऑफ स्मेल। ओके, देखिए जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों उनके अंदर स्पेशल ये फेरोमोन्स परसीविंग ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नेजल एपरेटस होता है उसके थ्रू भी जो है ये जो है वो फेरोमोन्स परसीव किए जाते हैं। ओके, देखिए फेरोमोन्स यदि हम आंट्स की बात करें, चींटियों की बात करें, तो ये ना केवल जो है मैटिंग के अंदर इसके कंट्रोल करते हैं बल्कि जो है वो भोजन की तलाश के अंदर और जो है फीडिंग के लिए या जो है नेस्ट के अंदर जो है वो मेट्स के जो है वो हमले के टाइम पे जो है अपने सजातीय जंतुओं को सचेत करने के लिए जो है फेरोमोन्स काम में लिए जाते हैं। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंट्स लीव फेरोमोन्स ट्रेल फ्रॉम डिफरेंट फेरोमोन्स रिलीजिंग ऑर्गन्स। आंट्स की जो वेरियस स्पीशीज होती हैं बच्चों उनमें अलग अलग प्रकार के फेरोमोन्स रिलीजिंग ऑर्गन्स होती हैं जो कि एक फेरोमोन ट्रेल का निर्माण करते हैं, एक ट्रेल पाथवे का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। ओके, यदि फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ट्रेल फेरोमोन इज रिलीज बाय सोलेनोप्सिस फ्रॉम इट्स पावर ग्लैंड्स। ओके, इसके अंदर एक पावर ग्लैंड्स पाई जाती है, इसके अंदर सोलेनोप्सिस के अंदर इन हम बात करें मिर्मिका की तो इसके इस पॉइजन ग्लैंड्स के रूप में जो है ये ट्रेल फेरोमोन सिक्रेट किए जाते हैं। लैसियस के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स के द्वारा ये ट्रेल फेरोमोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। फॉरेजर आंट्स की हम बात करें तो आफ्टर रिटर्निंग टू द नेस्ट यूजेस अनदर फेरोमोन टू रिक्रूट अदर आंट्स टू कम एंड कलेक्ट द फूड। ओके, फॉरेजर आंट्स जो कि भोजन की तलाश में बाहर निकलती हैं जब अपने नेस्ट के अंदर आती हैं तो अपने अन्य साथियों को फूड के जो है वो बारे में बताने के लिए संप्रेषण करने के लिए इनके अंदर एक अन्य फेरोमोन्स जो है वो सिक्रेट किए जाते हैं। इस पर्पस के अंदर यदि हम देखें तो मिर्मिका गुफड़ा जो आंट्स होती है वो इस टाइम पर उसके जो बॉडी के अंदर ग्लैंड पाई जाती है विच इज नॉन एज अ ड्यूफोर ग्लैंड्स। ओके, इसके द्वारा स्ट्रैविंग फेरोमोन्स को काम में लेती है। देखिए यदि फूड सोर्स जो है वो लार्ज है और बहुत ज्यादा वर्कर्स की आवश्यकता होती है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो सोलेनोप्सिस आंट्स होती है वो एक मास एक्टिंग फेरोमोन्स का स्रावण करती है। ओके, ये जो आंट्स के द्वारा फेरोमोन सिक्रेट किए जाते हैं बच्चों को किस प्रकार के होते हैं, वो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील होते हैं, रिलीज होने के तुरंत बाद जो है वो जो होते हैं क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके, ये जो आंट्स हैं ये इन फेरोमोन्स का को किस प्रकार से परसीव करती है, ग्रहण किस प्रकार से करती है, इनके अंदर आंट्स के अंदर जो एंटीना पाया जाता है, ओके, एंटीने जो पाए जाते हैं वो मुख्यतः इनके अंदर कुछ स्पेशल संरचनाएं जो है वो पाई जाती है जो कि इन फेरोमोन्स के परसीविंग का कार्य करती है। ओके, अब हम फेरोमोन्स की बात करेंगे, अलार्म फेरोमोन्स। ओके, ये तो हमने भी बात करी थी कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है लाइक लेपिडॉप्टेरन्स के अंदर, हाइमेनोप्टेरन्स के अंदर किस प्रकार के फेरोमोन्स होते हैं। एक अन्य प्रकार के फेरोमोन्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं जिनको हम सचेतक फेरोमोन्स कहते हैं, अलार्म फेरोमोन। ये अलार्म फेरोमोन्स यदि हम आंट्स की बात करें तो आंट्स के अंदर क्या होते हैं, ये फेरोमोन्स जो होते हैं क्या कार्य करते हैं, ये वो जो आंट्स की नेस्ट है जो उनकी कॉलोनी है वहां पे किसी शत्रु के हमले के टाइम पे रिलीज किए जाते हैं या हमले का अंदेशा होने के टाइम पर ये रिलीज किए जाते हैं। इस प्रकार जब अलार्म फेरोमोन्स जो है वो साथी जंतुओं तक पहुंच जाते हैं, साथी आंट्स तक पहुंच जाते हैं तो ये जो मेंबर्स होते हैं उस नेस्ट के वो क्या कार्य करते हैं, रन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सेंट्स। ओके, फ्रीज इन प्ले डेड और रन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द सेंट एंड अटैक एनी नियर बाय एनिमीज। या तो हमले के टाइम पे क्या करते हैं, जो सोर्स ऑफ सेंट है वहां से वो जो है वो दूर भाग जाते हैं जिस वजह से वो शत्रु से बच सकते हैं, या ये
करते हैं। ओके, ये जो डिफरेंट रेस्पॉन्सेज जो है जो आर्ट्स के द्वारा दिखाए जाते हैं प्रॉबेबली स्टिमुलेटेड बाय डिफरेंट अलग रोमांस इन आर्ट, जो कि आर्ट्स के अंदर जो डिफरेंट अलग रोमांस पाए जाते हैं उसकी वजह से होते हैं। इन केस ऑफ वीवर आर्ट की यदि हम बात करें, दैट इज ऑस्ट्रोफाइला लॉन्गिनोडा। ओके, इसके अंदर क्या होता है, ये जो डिफरेंट टाइप के जो एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर बिहेवियर से संबंधित, इनके अलग रोमोस के अंदर देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ मैसेजेस इन इट्स अलग रोमोस इज ड्यू टू ओवर 30 डिफरेंट केमिकल्स। इनके जो अलग रोमोस होते हैं बच्चों, उनके अंदर 30 डिफरेंट केमिकल्स जो है अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार के रेस्पॉन्सेज देते हैं। ओके, अन्य जो हम फेरोमोन्स की बात कर रहे हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं लार्वी, इसके दिस इज अ ड्राइवर आर्ट्स ऑफ अफ्रीका। जी के लार्वा के द्वारा जो फेरोमोन्स सिक्रेट किए जाते हैं जो कि लार्वल फेरोमोन कहलाते हैं। ओके, ये जो फेरोमोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लार्वा को नर्चर करने का कार्य करते हैं। अब हम वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि फेरोमोन्स को जो है वो ग्रहण करते हैं, परसीव करते हैं। ओके, देखिए टूवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में अगस्त वॉरे ने साइंटिस्ट थे, एक स्विस एंटोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आर्ट्स की एंटीना पर वेरियस स्ट्रक्चर्स जो है वो उनके बारे में बताया, एंड ऑन अदर इंसेक्ट्स विच सीम्स टू बी कंसर्न विद परसीविंग केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, उन्होंने देखा कि आर्ट्स की एंटीना पे कुछ विशिष्ट संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं जो कि विशेष प्रकार के फिरोमोन्स को ग्रहण करने का, परसीव करने का कार्य करती है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं परसीविंग स्ट्रक्चर्स इंसेक्ट्स के अंदर, ये जो है वो फ्लैट या कप शेप के हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टबी हेयर्स के रूप में ये हो सकते हैं। ओके, और ये सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ये स्ट्रक्चर सभी जो है वो नर्व से जुड़े हुए रहते हैं, और इन परसीविंग स्ट्रक्चर्स से जो मैसेज परसीव किए जाते हैं वो फिर डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज दिए जाते हैं। ओके, ये कुछ फेरोमोन्स परसीविंग ऑर्गन्स जो हैं इंसेक्ट्स के अंदर बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, दिस इज द एंटीनी ऑफ मेल सिल्क वर्म मॉथ। ओके, ये कप शेप जो है शॉर्ट एंड स्टबी जो है वो परसीविंग ऑर्गन्स जो कि बेसिकली कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, एनिमल जो इंसेक्ट जो है उनकी एंटीना पे सिचुएटेड रहते हैं, और ये इनर्वेटेड होते हैं नर्व्स के द्वारा जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े रहते हैं जो कि अपने संदेशों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देते हैं। मेल सिल्क मॉथ की यदि हम बात करें तो मेल सिल्क मॉथ रिसीव्स द स्टिमुलस ऑफ फेरोमोन्स बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ इट्स एंटीना। ओके, मेल सिल्क मॉथ के अंदर क्या होता है कि फीमेल सिल्क मॉथ जो बॉम्बिकॉल स्रावित करती है उसको परसीव करने का कार्य मेल सिल्क मॉथ की एंटीना पर जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो उसको परसीव करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट दैट इज सेंसिली सिलोकोनी की विच आर पिटलाइक, जो पिटलाइक होते हैं, सेंसिली बेसिकॉनी की जो कि शॉर्ट ब्रॉड ब्लेड संरचनाएं होती हैं। ये दोनों ही संरचनाएं जो होती हैं बच्चों वो कीमो रिसेप्टर का कार्य करती है। एंटीना के अंदर स्पेशलाइज्ड जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देखिए दिस इज द सेंसिली बेसिकॉनी की और दिस इज द, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज द सेंसिली सिलोकॉनिकल। ओके, ये दोनों कीमो रिसेप्टर के रूप में बॉम्बिकॉल जो हमारा फेरोमोन्स है सिल्क मॉथ फीमेल का उसको परसीव करने का कार्य करते हैं। ओके, तो ये आज बच्चों हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से फेरोमोन्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से फेरोमोन्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करी।